महाराष्ट्र रे फडणवीस सरकार आज ठारु 1992 प्रथम थर पई से विधानसभा को निर्वाचित होइथिले सेबे ठारु आ पछु को फेरी चाहिनांती मेयर रो मुख्यमंत्री हबार सौभाग्य लाभ करथिबा नेता होउछंती देवेंद्र फडणवीस। आज अनेक धर्मगुरु को मध्य निमंत्रण करा जायछि। रणवीर सिंह आसीछंती बॉलीवुड तारका हिसाब रे, रणबीर कपूर आसीछंती, सोनू निगम आसीछंती, संजय दत्त आसीछंती। ए भिड़ भितरे जहाँ किछि झलक देखिबा को मिलुछि। कॉर्पोरेट जगतर विशिष्ट व्यक्ति मध्य उपस्थित अछंती। बॉलीवुड तारका क्रीड़ा साहित्य जगतर विशिष्ट हस्ती को आज निमंत्रण करा जायछि एवं अतिथिवृंद आसी पहुँचुंट जणक पर जणे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रभात पिरडा शपथ समारोह में जोगदेवे, जो मुंबई में पहुंच सारी उभय पखापाखि 40,000 लोक आज शपथ ग्रहण ए समारोह में उपस्थित रे। 2,000 वीवीआईपी अलग बसबार व्यवस्था कर स्वतंत्र व्यवस्था करम अनेक धर्मगुरु सामिल हे। एथिपाई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। महाराष्ट्र रे बीजेपी रा फडणवीस सरकार आज ठू महाराष्ट्र रे फडणवीस सरकार जोथिपाई ए आयोजन शपथ ग्रहण समारोह रो आयोजन आजाद मैदान रो सीधा सळख भाव रे आपण देखुछंती। 44 वर्ष वयस रे प्रथम थर पई मुख्यमंत्री हबार सौभाग्य लाभ करथिले। मेयर रो मुख्यमंत्री होइथिले। 2019 रे द्वितीय थर पई से मुख्यमंत्री हबार सुजोग पाइथिले एवं 2024 रे तृतीय थर पई मुख्यमंत्री हवा को जाउछंती देवेंद्र फडणवीस। तबे देवेंद्र फडणवीस 1877 दिन परे पुणी थरे मुख्यमंत्री पद को फेरिछंती। पूरा नाम हेउची देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। नागपुर शहर रे 22 जुलाई 1970 रे एक मराठी ब्राह्मण परिवार रे तांको जन्म। ए बाबद्र अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू फोन लाइन में जोड़ी होती। अक्षय बाबू स्वागत करुच्छे आपको अर्गस न्यूज को। आ कि समय भितरे महाराष्ट्र रे फडणवीस सरकार जो शपथ ग्रहण समारोह आरंभ हो देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण कराइबे राज्यपाल। एथर इलेक्शन को महाराष्ट्र निर्वाचन केते रोचकपूर्ण थी आपति देखिले और जो कथा फडणवीस कही मैं समंदर हूँ लौट के आऊंगा। निश्चित भाव में 5:26 हूँ से शुभ मुहूर्त। जो शुभ मुहूर्त देवेंद्र फडणवीस तृतीय थर पर महाराष्ट्र रो मुख्यमंत्री भाव शपथ ने से गोटे भव्य आयोजन कर भारत विभिन्न राज्य रु प्रतिष्ठित लोक मैंने जोग देते ता भितर जो रही आपणकर बीजेपी रे मुख्यमंत्री समस्ते अच्छा ता छड़ा बीजेपी सहयोगी दल तथा आपणकर देखिए बिहार जो रही आपणकर जनता दल यूनाइटेड तार से नेता अच्छा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंची भारतीय जनता पार्टी या गोटे बड़ विजय गोटे उत्सव पालन देखा चाहिए भारत सब जो गुटाक अच्छे प्रतिपत्तिशाली जो गुटाक विभवशाली राज्य तार शासन भार बर्तन हाथ को आसती भारतीय जनता पार्टी यहाँ को देखा चाहिए। निश्चित भाव में कही पार जो भाई भाव में महाराष्ट्र राजनीति अस्थिरता देकर गति करूला अनेक दिन धरिकी आज से अस्थिरतार एक अंत घटी एवं जो आम देखुले विगत जो 5 वर्ष धरिकी से जो शासन व्यवस्था था से शासन व्यवस्था आप देखिए 2.5 वर्ष पखापाखि आपणकर से महाविकास आघाड़ शासन था परवर्त अवस्था महाविकास आघाड़ी दुर्बल करी से आप देखिए मिलित सरकार गठन होता मिलित सरकार देवेंद्र फडणवीस को बड़ त्याग देवा पड़ता सी जी मुख्यमंत्री थे से उपमुख्यमंत्री पद से मानने रहीकि आपणकर एकनाथ सिंह को मुख्यमंत्री करते बर्तमान आम देखुचे से स्थित से चित्र परिवर्तन घटी बीजेपी को सर्वाधिक आसन लाभ कराई गोटे न्याचुराल दाबीदार हिसाब से गोटे प्राकृतिक दाबीदार हिसाब से मुख्यमंत्री पद से अभिषिक्त मान जाऊंट तो गोटे गोटे कथा कहीपर जे समय सहित आवश्यकता को दृष्टि रखी जिते दल स्वार्थ दृष्टि देवेंद्र फडणवीस त्यागर एक प्रकार आम कहीपर निदर्शन देखते मानने कौशल राजनैतिक कौशल मान भरपूर प्रयोग कर
ଏବଂ ଯାହା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କୌଶଳ ବା ତ୍ୟାଗକୁ ଯାହା ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ବା ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଯେତେ ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା କମିଛି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଇକିରି ପାର୍ଟି ଜନତା ପାର୍ଟି ଇମର୍ଜ କଲା, ତ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କର ଦଳ ଯିଏ ଶିବସେନା, ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କଲା। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କର ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲେମ୍ ରହିଲାନି ଟୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଟ୍। ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର କଲା ଭଳି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ କରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ହିସାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ମୂଲଚାଳ କରିବାର ଯୋଉ ମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ମୂଲଚାଳ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଇଲଟ ସିଟ୍ରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ତାର ସେ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶର ଟ୍ରେନ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ଚଳେଇବେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।